आपको सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन दुनिया में कलाकारों की लिस्ट में एक ऐसा बंदा भी है जो कि हथौड़े से चित्रकारी करता है। इसका नाम है सिमोन बर्जर। जब ये अपनी कलाकारी की शुरुआत करते हैं तो एक पल के लिए किसी को भी लग सकता है कि यह ग्लास की कोई खिड़की या दरवाज़ा तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो तो अपने काम की शुरुआत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे देखने पर आपको समझ में आता है कि यह किसी का चेहरा, कोई लोगो या कोई डिजाइन बना रहे होते हैं। सिमोन कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मैं लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकूं, इसलिए मैंने इस आर्ट को चुना। काफ़ी प्रयासों के बाद अब वे एक सफल कलाकार हैं। उनके काम की एक खासियत है कि इसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है क्योंकि नज़दीक से तस्वीर साफ नहीं दिखती। सिमोन ने लेमिनेटेड ग्लास को इसलिए चुना क्योंकि एक बार में हथौड़ा या छेनी से स्ट्राइक करने पर यह आसानी से टूटता नहीं है। सिमोन की पेंटिंग के फैन मानते हैं कि उनका काम काफ़ी अनूठा है क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक काम करना होता है। एक बार जब उनकी काफ़ी मशहूर चित्रकारी जिसमें कि एक महिला को दिखाया गया था वो टूट गई और कुछ लोगों ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी तो वो वायरल हो गई।